वेलकम बैक। महमूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद और बात हो रही है आपके शहर की मिल्टन की। और मिल्टन, अच्छा मिल्टन की जब बात होती है तो अमूमन मिसेस आगा और फिर मिल्टन, आप समझ होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो एक चीज़ है और ये किसी तक दुरुस्त भी बात है। सो आपका भी फोकस यही है कि जी पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो मैं भी पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान कम्युनिटी सपोर्ट करे, और फिर या फिर दीगर जो ग्रुप्स एथनिक ग्रुप्स वहाँ कम्युनिटीज़ हैं। मेरा इससे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। माइट भी लोग कहते हैं अपनी कम्युनिटी, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट देयर सपोर्ट इज ऑलवेज ओवर देयर, लेकिन व्हेन यू आर रनिंग एन इलेक्शन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फोकस वन ग्रुप ऑफ पीपल। अनफॉर्चुनेटली एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज, एज कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कम्युनिटीज, हमारी कम्युनिटी में शायद पता नहीं क्या ये है कि वो वाला इत्तेहाद और वो वाला इत्तेफाक, और वो अगर भाई पाकिस्तानी या तो फिर हमें साथ देना चाहिए जैसे कि दीगर कम्युनिटीज करती हैं, लेकिन हमें शायद लेग पुलिंग का ख्याल आ जाता है, शायद हमें लगता है यार ये क्यों आगे जा रहा है, पता आई डोंट नो कि क्या है। मैं न्यूट्रल रहकर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी राय। कुछ इस तरह का एलिमेंट देखने में पिछले इलेक्शंस में देखने में आया, जिसकी वजह से भी कुछ सिचुएशंस आई हैं। लेकिन जहाँ मिल्टन की बात की जाए, द पीपल आई मीट विद देम, दे आर माय बिग सपोर्टर्स। आप किसी एक ग्रुप एक कम्युनिटी के साथ इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करते। जैसे मेरा वार्ड वन है, तो वार्ड वन के अंदर 6% पीपल आर ओनली मुस्लिम ओवर देयर, 6% है सिर्फ। अच्छा 6% मुस्लिम हैं। हाँ जी, जिसमें इंडियन पाकिस्तानी सब। जी जी, जिसमें वार्ड वन में रहते हैं, और वार्ड वन के अंदर तकरीबन 8657 हाउसेज आर इन माई वार्ड। अच्छा, और अगर 8657 हाउसेज हैं, और उसके अंदर 28 एक घर पता है। जी, आई हैव दिस इज माय होमवर्क, एंड बिकॉज़ आई एम गोइंग डोर टू डोर, आई एम गोइंग टू मीट ऑल द रेजिडेंट, आई एम वेरी पैशनेट, आई एम वेरी डिटरमाइंड। तो कितने हजार घरों में अब तक, और आई इन माय कॉपी आई केप्ट ऑन राइटिंग इन माय लैपटॉप और एवरीथिंग, लेकिन आई हैव मेट थाउजेंड ऑफ पीपल, आई हैव गॉट वेरी गुड सपोर्ट। Every second house there asking me to put the lawn sign over there. अच्छा। और जिसके लिए सिचुएशन मुझे नहीं पता, कुछ लोग मेरे से क्यों घबरा रहे हैं, दे आर पुटिंग माई लॉन साइन, मेरे लॉन साइन चोरी भी हो रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसे अभी हाँ जी हाँ जी, वो जितने कॉर्नर्स के अच्छे घर हैं वो हमारे अच्छे लोगों के घर हैं, उनकी प्रॉपर्टी ऑनर्स की परमिशन के साथ आई पुट माई लॉन साइन ओवर देयर। और मजे की बात है कि पिछले सेप्टेम्बर 13 से आज तक मेरे बहुत लॉन साइन चोरी हो गए हैं। तो मैंने कह रहा था बाबा, किसी के काम के भी नहीं है, किसी के काम के बाबा मैंने पैसे लगाए हैं, हक लाल के मेरे पैसे लगे हैं, एंड आई इन्वेस्टेड द टाइम, माई फैमिली, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, वी यूज टू गो इन रेन, माई फ्रेंड्स, माई वॉलंटियर, लेट नाइट तक हमने उनको जाके लगाया, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाया, वो हवा से भी नहीं उड़ सकते। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों कुछ हवाएं थी सही लेकिन शायद कोई और हवाएं ये जो लेगी उड़ गई। लेकिन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी डिटरमिन्ड। उन जो 8657 जो मैंने हाउसेज बताए उनके अंदर 28% जो है ना रजिस्टर्ड वोटर हैं, मतलब ये हमारे जो पॉपुलेशन जो वहाँ पर है। अगर आप मिल्टन की टोटल जो है 130,000 अगर आप करते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी ग्रो की है, व्हेन आई रिकॉल द हिस्ट्री ऑफ मिल्टन, तो आई रिमेंबर 17 मई 1818 को जेस्पर मार्टिन ही केम फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ मिल्टन। तो जेस्पर मार्टिन ही केम विद हिज वाइफ सैरा एंड टू सन्स, एंड दे सेटल्ड इन मिल्टन। तो मिल क्रिक दे स्टेट दे केम ओवर देयर, जिसको आजकल ये हेरिटेज और इसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद 1820 में क्राउन ने इनको 100 acre लैंड जो है एज ए वहाँ पर दी, जब एक ट्रेंड था, जब हम भी अच्छे टाइम आते थे, हमें भी 100 acre लैंड अगर क्राउन से मिल जाती। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो तब इनको लैंड मिली। उस वक्त जो 1837 के अंदर मिल्टन पॉपुलेशन वाज जस्ट 100 पीपल अप्रोक्सीमेट। अच्छा अच्छा, 100 पीपल, 100 पीपल वाज 1837 में 100 लोग थे, 100 लोग थे अप्रोक्स। और आज माशाल्लाह ये टाउन बड़ा ग्रो हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी ए सिटी, बल्कि सिटी हो गई है। सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि 1 lakh से जो 3 lakh की जो रेंज होती है, देन इट कम्स इन टाउन इन टू सिटी। लेकिन मिल्टन की जो लास्ट 2016 की जो सेंसेज है, उसका जो वेरिएशन जो अब तक हुआ है 2018 तक, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग ओवर हियर। मोस्ट लाइकली एथनिक सिटी, जो लोग जो एथनिक कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पसंद करते हैं कि जहाँ पर एक तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पीपल आर मूविंग टू मिल्टन। राइट, अच्छा जब बात होती है ज़ाहिर है कि इलेक्शन, मैंने देखा था आपके आपके ब्रोशर्स, और उसमें भी आपने मेक श्योर किया हुआ है कि
जो इनसिक्योरिटी का भी मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी मसला है, जैसा कि ओवर स्पीडिंग हो जाती है, और साथ साथ जाहिर के अगर प्लाजे बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोग ज्यादा खुशहाल होंगे, उनका जो एक एफोर्डेबिलिटी की जो पावर है बढ़ेगी। सो हाउ अबाउट दैट, उसको किस तरह आप एड्रेस करेंगे? मिल्टन के अंदर क्योंकि टाउन ग्रो कर रहा है, तो आई वुड एडवोकेट फॉर दैट के I would be a great advocate to bring more opportunities of jobs over here. उसके लिए टाउन की कोई सिचुएशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा चेंज होना चाहिए। 56% जो रेजिडेंट वो लोग बाहर जाते हैं इन द मॉर्निंग टू गो फॉर ए जॉब, टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, 56% मिल्टन से बाहर जाते हैं, देन दे कम बैक। वेन दे कम बैक दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पर। शॉपिंग मॉल्स अभी शॉपिंग मॉल जो है वो अभी उस तरह के डेवलप नहीं है। वी हैव मिल्टन मॉल ओवर देयर, मिल्टन मॉल जो है इट इज़ नॉट कैटरिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ जो ऐसे मिसिसागा और दूसरे सिटीज कर रहे हैं। इफ़ वी विल हैव मोर शॉपिंग मॉल्स ओवर देयर और इस तरह जो डिफरेंट किस्म के अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर आ रहे हैं, एक वहाँ पर लोग CN इंटरमॉडल, अगर आपने सुना होगा, जो बड़ा हॉट इशू चल रहा है। तो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट वी द मिल्टोनियन, वी आर ऑफ द व्यू, उसमें लोगों की डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। उसमें ये भी है कि पीपल आर ऑफ द व्यू के जी अगर इंटरमॉडल वहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर जॉब्स भी आ जाएंगी। इट इज़ गुड लोगों के लिए, अगर वो जो लोग जिस थॉट से वो सोचते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म देम कि वो जॉब्स जो आएंगी वो दे आर नॉट वाइट कॉलर जॉब्स, दे विल बी ए ब्लू कॉलर जॉब्स। सो उस तरह की जॉब्स होंगी जो पर वो लोग आएंगे या जो काम करेंगे, और वो परमानेंट होंगी जॉब्स। वो जॉब्स दी कह रही, क्योंकि ट्रकिंग होगा ना वहाँ पे, ट्रक्स जैसे ब्रैम्पटन में आपने देखा इंटरमॉडल, तो मिल्टन के अंदर भी एक CN इंटरमॉडल, बट वी आर सजेस्टिंग इट शुड गो, आई एम ऑफ द व्यू के इट शुड गो टू हैमिल्टन। हैमिल्टन के अंदर जगह भी है, इट इज़ द राइट प्लेस टू मेक द इंटरमॉडल ओवर देयर। लेकिन ये क्योंकि फेडरल इशू है, आई डोंट वांट टू गो एंड डिबेट फॉर दैट। राइट, काउंसिल का जो है, मिल्टन काउंसिल ने उसके लिए केस जो सबमिट किया हुआ है। अच्छा, इनका लेकिन जब बात होती है मॉल्स की या मॉल बनाने की, तो वो आप किस तरह से आपकी जुरिस्डिक्शन में है, किस तरह आप कर पाएंगे, क्या सिटी क्या करेगा उसके लिए, इन्वेस्टर्स को लेकर आएगा, कुछ इस तरह की मीटिंग्स होंगी जैसे सिटी? जी सिटी की कुछ जुरिस्डिक्शन है। देखें, काउंसलर बाज़ लोगों को अपनी जुरिस्डिक्शन ही नहीं पता होती, वो क्लेम करते हैं हम इमिग्रेशन करा देंगे। दे कैन नॉट डू दैट। काउंसलर की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, रीजनल काउंसलर की रीजनल लेवल पे है, मेयर की अपनी है, देन देयर इज MPP जो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, देन कम्स द फेडरल MP। When they all sit together, they can advocate to each other. Milton के अंदर जो town of Milton है, if you are a councillor, you can advocate for those things, जहाँ पर malls का और जो different हैं, हाँ, जहाँ पर उनकी infrastructure की और development की जब आती है, that come to town of Milton. Okay. तो town of Milton जैसे अभी ये वहाँ पर आपने सुना होगा जो यूनिवर्सिटी जो है मिल्टन एजुकेशन विलेज, एक हम वहाँ पर आ रहे हैं, दैट वाज वेरी वेरी रिलीफ फॉर द मिल्टोनियंस, बिकॉज एवरीबॉडी इज गोइंग टू मूव टू मिल्टन के वो बच्चों की एजुकेशन के लिए, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू टोरंटो, तो बच्चे वहीं पर रहेंगे। right. तो हमारे वहाँ पर अभी जो रिसेंटली जो डिबेट चल रही थी, इट इज़ गोइंग फॉर द पास्ट 10 ईयर। ओके, और जो अभी जो है जो जॉब्स आए जो जॉब्स आएंगी उसमें, ये मिल्टन एजुकेशन विलेज के आने से there will be more. अच्छा, विलेज जो आएगा एजुकेशन, एक तो कितने अर्से तक ही आ जाएगा ये मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यू आर वॉचिंग इनसाइड न्यूज विद जुनैद जहांगीर। थैंक यू। Are we ready? Okay. Hello, this is Sara. और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी traditional Bombay biryani. For that we need tomatoes, onion, ginger, garlic, coriander powder, salt, meat. When you have Habib Chatpat, then cooking is done. Fatafat. इसमें हैं सारे ingredients. तभी तो बने मजेदार MSG free खाना without any ginger. हाँ? पका गया? So quick? But how? Only Habib Chatpat, no ginger. Cooking Fatafat. ट्रेंडी कूल है के गहने गोल्ड हाउस, गोल्ड ज्वेलरी का है बेस्ट प्लेस गोल्ड हाउस, प्योरिटी क्वालिटी भरोसे का ये नाम गोल्ड हाउस ज्वेलर्स। नाउ ओपन बिगेस्ट स्टोर ऑफ 22 एंड 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी इन मॉल्टन, गोल्ड हाउस ज्वेलर्स। न्यू कलेक्शन जस्ट अराइव्ड फ्रॉम दुबई, पाकिस्तान एंड इंडिया। कॉल शाहिद और जुनैद 9056720786। प्योरिटी इज गारंटेड। गोल्ड हाउस ज्वेलर्स।
Watan Kabab and Universal Promotion presents tribute to Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. Qawwali Night with Shahid Ali Khan and Kiran Sachdev. Music by Nadeem Ali of Avengers Production at Oasis Convention Center, Mississauga on October 12th, 8 p.m. Tickets $30, VIP $40. Lucky draw, diamond ring by Fancy Jewelers. Food court by Taza Chaiwala. For information, call 416-897-9911. This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. Welcome back. You're watching Inside News with Junaid Jahangir aur hamare sath maujood hain Mahmood Chaudhry sahab aaj show mein jo ke ward 1 milton se ward 1 se khade ho rahe hain concert ke liye aur ward 1 ke liye agar milton ki baat hoti hai to ward 1 sabse bada ward hai aur pehle 8 the aur ab 4 ward ho gaye hain aur in charon mein sabse bada ward hai aur isme inki bahut hi inki kandhon par jo hai bahut badi zimmedari jo hai wo aap log dalne ja rahe hain so aur ye aapki zahiri responsibilities par aur expectations par pura utarna bhi hai kyunki zahir hai agli baar bhi election hone bhai zarur acha ye jo education ke point of view se aap bata rahe the usse bhi kuch fayda hoga like employment ke point of view se bhi fayda hoga education sector mein bhi fayda hoga logon ko jo bahar jana padta hai wo andar hi milton mein hi kar lenge to ye kab tak ye project banne ka kab tak hai ye project pe work to for the past 10 years se ho raha hai aur 2008 mein welfare laurel university ka naam aaya tha Wilfer Laurier और Town of Milton ने MOU sign किया था, they will start work for that. फिर 2016 के अंदर इस MOU को revise किया गया, तो अब by the grace of God ये एक अच्छा एक news है कि the last meeting which I attended for the council meeting जो attend की थी, उसके अंदर ये approve हो गया कि 2019 में earthquaking के पर they are going to work for अच्छा, that. 19 में शुरू हो गया. 2019 में और इसके अंदर जो पहला स्टेज है इसके अंदर विल्फर लॉरियल और कॉनेस्टोगा कॉलेज दे विल बी कमिंग इन मिल्टन अच्छा एंड दिस इज अ वेरी बिग न्यूज वेरी हैप्पी न्यूज फॉर द मिल्टोनियन जो मिल्टन के अंदर लोग काफी देर से इंतजार करते हैं लोगों ने प्रॉपर्टीज ली हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मूव भी और आएगा प्रॉपर्टी अपलिफ्ट होगी क्योंकि बच्चे वहीं पर रहेंगे और ये जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं दे आर वेरी वेल डिजाइन इसके अंदर किया जा रहा है ये एजुकेशन जो विलेज लाया जा रहा है इसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी होगी इसमें रेजिडेंट रेजिडेंशियल भी होगा और जो इसमें रेजिडेंशियल जो बनाया जा रहा है उसमें है कि देयर विल बी मोर पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली वॉक अंदर होगा जो स्टूडेंट्स और जो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे और उस तरह की यंग फैमिलीज और उस तरह लोगों को लाया जाएगा जिसके अंदर रोड्स बैक साइड पे होंगी और अंदर साइड वॉक्स होंगी नाइट लाइफ का और रेस्टोरेंट एथनिक किस्म के जो इट विल बी अ वेरी रिमार्केबल राइट इन मिल्टन नहीं तो ये जाहिर है मिल्टन के एक क्रेडिट पे चीज होगी और जाहिर है फिर सिटी काउंसिल के भी क्रेडिट पे चीजें आएंगी सो जब बाय लॉज की या लेजिस्लेशन की बात होती है जो कि आप लोगों ने वहां इवेंचुअली करना है तभी वो चीज ऑन द ग्राउंड देखने में आएगी तो कौन से आप समझते हैं कि बेसिक ऐसी चीजें हैं जिस पे आप आवाज उठाएंगे और जो कि लॉज की सूरत में क्योंकि वहां भी डिबेट चलनी है वहां भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट सामने आएंगे उसके बाद यूनानिमस होता है या क्या होता है अक्सरियत की बुनियाद पर तो कौन सी ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि वहां पर आप चाहते हैं यार ये तो करना ही है उसके अंदर ज्यूरिडिक्शन के अंदर तो बेसिकली टाउन हैज़ ऑलरेडी डिबेटेड क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है जिसमें उसमें बिल्डिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे आर इन्वॉल्व ओवर देयर और वो जो एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है वो बाईलॉज को जेन में रखते ही किया जा रहा है यानी जो ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो बिल्डिंग ज्यूरिडिक्शन है कि उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए आइदर इट इज गोइंग टू बी 4 stories नॉट मोर देन दैट जैसे डाउनटाउन मिल्टन के अंदर एक कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पेडिस्ट्रियन वाली जो जगह होगी उसके अंदर एथनिकल जो रेस्टोरेंट है वो किस टाइप के होंगे ठीक है उसके अंदर एक पूरा विलेज होगा उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी भी उधर आपको मिलेगी अच्छा उसके अंदर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे ये क्या हम इसके एजुकेशन विलेज की बात एजुकेशन विलेज दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टर्मेन
टर्मेन के अंदर की साइड पे आ रहा है और नॉर्थ ऑफ ब्रिटानिया वाली साइड से आ रहा है. राइट. और दिस लैंड 400 एकड़ लैंड के ऊपर ये बन रहा है, यानी कि ये जो एजुकेशन विलेज बन रहा है 400 एकड़ लैंड पे बनेगा. Okay. इसके अंदर जो अभी रिसेंटली डिबेट चल रही थी, इन फर्स्ट स्टेज दे वर थिंकिंग के दे विल स्टार्ट फॉर 900 स्टूडेंट्स, लेकिन उसके लिए मोर डिबेट व्हेन दे इट वेंट मोर, तो उसने देखा कि अबाउट 2500 स्टूडेंट्स फॉर द लॉरियल and 2500 students for the Conestoga College. अच्छा. So 5000 जो होंगे वहाँ पर लोग आएंगे, बच्चे स्टूडेंट उधर आएंगे, फिर उनकी रेजिडेंसीज होंगी, उनके हॉस्टल्स और उनकी जो उधर accommodations होंगे. Okay. तो जिस तरह का उसके ऊपर वर्कआउट है, और उसमें जॉब्स भी ऑब्वियसली जॉब्स आएंगी और कमर्शियल जॉब्स जो स्टूडेंट होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अच्छा, ये तो रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए ठीक रहेगा ना, जो अगर बाहर से आते हैं, या ये मिल्टन के लिए ही एक्सक्लूसिवली रहेगा, क्योंकि अगर जो लोग मिल्टन में ही रहते हैं जी जी, उनको हॉस्टल में जाकर रहना डज इट मेक सेंस? जो बच्चे तो मिल्टन में रह रहे होंगे उनके लिए बड़ा बोनस पॉइंट है कि दे विल बी लिविंग इन देयर हाउस, दे कैन वॉक, क्योंकि पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कर रहे हैं और ट्रांजिट का भी सिस्टम वहाँ पर होगा, दे कैन वॉक एंड दे कैन लिव ओवर देयर. लेकिन जो रेजिडेंस के लिए जो वहाँ जो अब रेजिडेंसेस बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि जो वहाँ पर फैकल्टी आएगी, इफ़ दे डोंट हैव द हाउस और समबडी लव्स टू लिव क्लोज टू द एजुकेशन विलेज, कुछ इतना यंगस्टर्स भी होते हैं, इफ़ दे आर डूइंग, क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम्स भी होंगे, इफ समबडी इज कमिंग फॉर द स्पेशल प्रोग्राम्स तो रेजिडेंसेस भी उधर नज़दीक. अच्छा, अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक मिल्टन में ये भी है कि एक कोई बिल्डर है, जाहिर है कि एक बिल्डर है, उसका नाम ले लेंगे तो फिर ये होगा जी कि कोई कमर्शियल हमारा है, कमर्शियल हुआ है, खैर नहीं है. तो एक आप देखते हैं कि एक मोनोपोली है जो एक कायम है, और फिर उसके अंदर एक चीज़ और आती है जो कि रेजिडेंट्स हैं या जो ज़ाहिर है वहाँ पर रहना चाहते हैं जी, या वहाँ पर जाकर रिहायश अख्तियार करेंगे, इसी तरह से बड़ा होगा जी जी, मिल्टन भी इस तरह से ज़ाहिर है कि मज़ीद पॉपुलेशन उसकी बढ़ेगी, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों के इतने चार्जेस लेते हैं, लाइक एक मोनोपोली है, कोई इस पर कोई कानून साज़ हो सकती है, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, क्या ये सिटी के आता है, बिकॉज ज़ाहिर डेवलपमेंट तो वो सिटी में ही कर रहे हैं. सो आप यकीनन आपने इसको करीब से देखा होगा इन चीज़ों को, सो इस पर कुछ है या नहीं है? मैं आपको अगर आप कहते हैं बिल्डर का मोस्टली बता ही देता हूँ कि इसके अंदर जो मैटमी वालों की ज़्यादा लैंड्स ऑलमोस्ट उन्होंने आई थिंक 50 ईयर्स बिफोर उन्होंने ले ली हैं, दे बॉट ऑल द लैंड. नहीं, फिर एक छोटी छोटी चीज़ों की अगर आपने जी वो लगाना है तो ये इतने का होगा, स्टैंडर्ड चीज़ें जो है वो उस पर तो आता ही कोई नहीं है. yes. और अगर ये करना है तो ये जी $2000 ऐड कर दें, वो जो अपग्रेड बिल्डर का अपग्रेड के नाम पर इतना अपग्रेड के ऊपर बिल्डर दे चार्ज टू मच, और बिल्डर जो है वो फिर अब जब when you are on their mercy. You cannot go for तो वो भी तो किसी मर्जी पे हो, और इवेंचुअली जाहिर है कि आवाम जो है जी जी, वही सिटी को भी मुंतखब करते हैं, वही MPPs को भी मुंतखब करते हैं, वही MPs को भी करते हैं, या आता किसके जुर्म है इसमें? कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है, जब आप इट्स नॉट कंपल्सरी जब आप घर लेने जाते हैं कि यू हैव द ऑप्शन कि यू शुड गो फॉर अपग्रेड्स बाय द बिल्डर और यू कैन डू बाय योरसेल्फ. राइट. तो ये ऑप्शन वैसे है, बाज लोग प्रीफर करते हैं कि वो अपना बेहतर समझते हैं कि अगर वो बिल्डर से ही ले लेते हैं तो उसमें उनको ये कंपनसेट होता है कि दे आर नॉट बाय डूइंग देयर ओन पॉकेट, वो और मॉर्गेज में ले लेते हैं पैसे. और हाँ, और उस पर ये है कि वो जितने का भी कुछ भी दें उस पे कोई लाइक नो नेगोशिएशन, नो नेगोशिएशन, इस पे कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, सिटी काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकती कि भाई उनको बुलाए मैडम उनको भाई क्या हो रहा है, प्राइवेटली दैट दे आर डूइंग प्राइवेटली ऑन. ओके. और टाउन या काउंसिल उसमें ये तो इन्वॉल्वमेंट कर सकती है कि जो, क्योंकि उन्होंने तो जो घरों के डिजाइनिंग और जो एक टाउन ने अप्रूव की हुई है उन चीजों को टाउन से अप्रूव करा के देन दे स्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन. अप्रूव तो करा देते, अप्रूव हो जाता है वो चीजें, हो जाती है देन दे स्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद दे आर ऑन देयर ओन. नहीं, बाय लॉज इन मिल्टन आर वेरी स्ट्रिक्ट. टाउन ऑफ मिल्टन जो बाय लॉज में बड़ा स्ट्रिक्ट है, और क्योंकि उसके अंदर जैसे डाउनटाउन मिल्टन है और रेजिडेंशियल आर एंटायरली डिफरेंट फॉर दैट. डाउनटाउन मिल्टन के अंदर अगर थोड़ा सा अगर आप यू कैन नॉट कोई भी बिल्डर जाके अपनी मर्जी से कोई तोड़ के कोई तोड़ फोड़ करके बिल्डिंग नहीं बना सकते, जाहिर है वो प्रॉपर चैनल तो जाना पड़ता जी, है जी. रीजन ओवर हियर के 100 इयर्स बिफोर अगर मिल्टन की हिस्ट्री में 100 साल पहले इधर फ्लड आया था, देर आर सर्टन स्पॉट्स विच आर डिक्लेयर्ड एज अ फ्लड प्लान्स. ओके. वो फ्लड प्लान्स जो हैं वो उसके अंदर जो अभी एक जो मतलब डाउनटाउन स्टडी है मिल्टन की जो काउंसिल की एक है, आई हैव थॉरली गोन थ्रू दैट स्टडी, उसमें बुक्स वगैरह जो उसको स्टडी करके डाउनटाउन स्टडी है उसमें उन्होंने एक प्राइमरी एरिया किया हुआ है और एक दूसरा सेकेंडरी एरिया किया. जो प्राइमरी एरिया है, प्राइमरी एरिया के अंदर 65% लैंड्स दे बिलोंग टू टाउन. ओके. और रेस्ट जो होती हैं वो पब्लिक की लोगों की अपनी है, लेकिन अगेन दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दोज बाय लॉज, क्योंकि जो फ्लैट प्लान है, क्योंकि जो मिल्टन के अंदर जो डाउनटाउन के अंदर मेन स्ट्रीट है
मेन स्ट्रीट के अंदर यू कैन नॉट कीप ऑन ब्रेकिंग और एक्सपेंडिंग उसको नहीं कर सकते. अच्छा. तो अब जो रिसेंटली जो टाउन ने एक नई अपनी मीटिंग और उसके अंदर किया है, उन्होंने एक पब्लिक स्क्वेयर के नाम से ऑल द काउंसिल मीटिंग दे हैव जस्ट अप्रूव्ड इन सितंबर, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि दे आर गोइंग टू मेक ए पब्लिक स्क्वेयर जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वी दे आर गोइंग टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ मिल्टन, विच आई स्ट्रांगली एग्री फॉर दैट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो होती रहती है लेकिन अगर डाउन टाउन मिल्टन को प्रिजर्व करेंगे फॉर द हेरिटेज तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो होंगी, जैसे मैंने आपको बताया जैस्पर मार्टिन ही केम ओवर हियर, दे आर गोइंग टू प्रिजर्व दो स्ट्रीट्स. अच्छा. और उन स्ट्रीट के ऊपर दे हैव ऑलरेडी मार्क्ड द फ्रंट फुटेज. फ्रंट फुटेज के अंदर उन्होंने टाउन ने ये किया है जो उन्होंने अपना प्लान बनाया उसके अंदर उन्होंने कहा कि नॉट लेस देन टू स्टोरीज एंड नॉट मोर देन फोर स्टोरीज. अच्छा. जो फ्लडेड आप बता रहे हैं जो एक डिक्लेयर्ड हुई हैं चीजें, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे दे आर गोइंग टू प्रिजर्व ऑल दोस एरिया. वहां पे प्रिजर्व कर लेंगे, प्रिजर्व में ही आ जाएगा, प्रिजर्वेशन में. इट विल गोइंग टू, यानी वहां कंस्ट्रक्शन नहीं होगी या वहां क्या होगा? सम स्पॉट्स दे आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कर दिया. उन्होंने ब्राउन स्ट्रीट और ये मिल क्रीक स्ट्रीट जो इनके इस एरिया को कर दिया है और कंस्ट्रक्शन हो सकती है. हाँ जी, उन्होंने मतलब दे हैव ऑलरेडी डिजाइन के इफ सम फॉर गॉड फॉरबिड अगर कोई फ्लड आए तो उन चीजों को किस तरह वो सेव कर सकते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि फ्लड तो हर जगह आ सकता है. राइट राइट राइट. एडजॉइनिंग जो बर्लिंगटन और दूसरे एरिया के अंदर है, लेकिन जो मिल्टन के अंदर स्पेसिफिक है, देर आर सर्टन लैंड, देर आर सर्टन स्पॉट्स, देर आर फ्लड प्लेन. अभी अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई थी, मैं खाली टोरंटो में सारी सब पानी पानी, माइट हैव सीन इन मॉन्ट्रियल. यस. और ये तो देखें, इट्स नेचुरल कैलामिटी, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर. अच्छा, ये जो आप जाहिर है कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस और कवर भी आपने किए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं यार कि ये चीज कवर नहीं हुई है, भाभी ने कहा होगा यार वो तो बात ही नहीं कोई बात तो नहीं है. नहीं, आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ इंटरव्यूज, एवरी सेकंड आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यूज. कोजी को ने हमें कवर किया है और डिफरेंट चैनल्स हैं, कैनेडा वन दूसरे भी किया है. आई एम रियली ऑनर्ड के एनजे डिजिटल वाले आपसे काफी देर का एंगेज होता था, और आई एम रियली ऑनर्ड के जुनैद भाई इज सिटिंग विद मी. यू आर वेरी गुड एंकर, आपका माशाल्लाह का. तो कोई चीज ऐसी कवर नहीं, बस मिल्टन के हवाले से है कि आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जिसको भी ये बेहतर समझते हैं, हूएवर इज द राइट कैंडिडेट, दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ वोट. जब हम कनाडा के अंदर आते हैं, तमाम ग्रुप्स ऑल ओवर कनाडा से, मैं कहता हूँ वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग एम्बिशन कि हम कैनेडियन सिटीजनशिप ले लें. राइट. जब हम जाते हैं अपना ओथ लेने के लिए तो हम कहते हैं कि वी विल यूज आवर राइट टू वोट. We should exercise our right of vote. Right of vote. This is the spirit of democracy. नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि भाई आप जिसको भी बेहतर समझते हैं जी आप उसको वोट दें. It's not like ये नहीं कह रहे कि अभी मुझे वोट दे दो, मिल्टन वालों मुझे वोट दे दो. Exactly. नहीं कह रहे. You should evaluate, find the suitable candidate. You have full right. आप मुझे बुलाएं, अपने फोरम पे बुलाएं. आई एम ओपन टू डिस्कस विद यू इफ आई एम द सूटेबल कैंडिडेट, इफ आई एम द राइट कैंडिडेट. आपका रिलीजन हर में भी यही कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज वोट फॉर द राइट. मेरा ख्याल है कुछ लोग आपको सूटेबल कैंडिडेट ही समझते हैं, तभी वो आपको चोरी करके ले जा रहे हैं. नहीं जी, आई विल रियली अप्रिशिएट के आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज. आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन देयर नेम. My volunteers and the people, I am really grateful for them. बल्कि मैं मीडिया पे हूँ और मैं उन सब का शुक्र गुजार हूँ जो बिफोर इलेक्शन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर माई टीम, दे आर माई स्पिरिट एंड दे रियली इनकरेज मी. अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको भाभी कर रही हैं क्या? जी, मेरी वाइफ. आई रियली अप्रिशिएट. कहा जाता है कि कामयाब मेरे घर से जी मुझे इतनी सपोर्ट है. माई वाइफ, हर नेम इज सयाम महमूद. आई रियली अप्रिशिएट के सयाम, शी इज ऑलवेज विद मी डे नाइट. बल्कि मेरे स्केड्यूल बनाने में, मेरे साथ डोर नॉकिंग्स करने में, मेरे साथ जाके बैनर्स लगवाने में, मेरे साथ मार्किंग करने में, पानी पिलाने में, yes. और व्हेन आई एम टायर्ड, मैं कहता हूँ भाई अब आई एम नाउ आई एम टायर्ड, क्योंकि 3 बजे से निकले हैं, अब रात के 10 बज गए हैं. तो शी सेज के नहीं, इस तरह करें कि दो मीटिंग और कर लेते हैं. अच्छा. क्योंकि डोर नॉकिंग की जो विंडो होती है, दैट इज मोटिवेटिंग यू. यस, माई वाइफ इज ग्रेट मोटिव, मतलब मेरी मोटिवेशन है, शी इज बिहाइंड मी एंड आई रियली अप्रिशिएट आई हैव गॉट अ गुड लाइफ पार्टनर कि वो मेरे साथ हैं. और देखिए वाइफ, अब मेरे ख्याल में मुझे हालांकि हॉस्पिटैलिटी में आप हैं, लेकिन आपकी हॉस्पिटैलिटी होगा, बट शी इज आल्सो स्टडीड फॉर द हॉस्पिटैलिटी. उन्होंने भी पढ़ी हुई है. अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी. उन्होंने भी पढ़ी हुई है. अच्छा, तो लेकिन वो जीत हो गई हॉस्पिटैलिटी में. जीत गई हैं और मुझे नो डाउट हेल्प करने के अंदर, मेरे साथ, मेरी मीटिंग्स. बल्कि आप विंडो होती है ना, डोर नॉकिंग आप ज्यादा देर नहीं कर सकते. जब आजकल तो शाम को सर्दी भी हो रही है, तो व्हेन वी गो फॉर डोर नॉकिंग, 4:30 यू स्टार्ट योर डोर नॉकिंग, इट इज टिल 7:30. राइट. आफ्टर 7:30 इट डजंट लुक नाइस, यू आर बैंगिंग, यू आर गोइंग टू द डोर्स, बिकॉज सपर टाइम शुरू हो जाता है. तो 7:30 शी ऑर्गेनाइज ऑल माई मीटिंग्स विद द
कॉर्नर मीटिंग्स, तो वी गो फॉर कॉर्नर मीटिंग्स, दूसरे लोगों से दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों से मीटिंग करते हैं और माशाल्लाह आई एम गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट. आई एम वेरी वेरी डिटरमिन्ड, वेरी होप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इफ आई एम, इफ अल्लाह ताला ही विल, इफ आई एम गिवन दैट टारगेट, so I have to prove. I am not a job seeker. I am not running just for the position. Right. अगर कामयाबी खुदा ताला ने लिखी होती है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो भी मैं मिल्टन की खिदमत करूंगा, अगर मैं नहीं भी जीतूंगा तो आई कीप ऑन गोइंग सर्विंग माई कम्युनिटी. कीप ऑन गोइंग जी, ये मैं अमूमन पूछता हूँ फिर नहीं जीते तो क्या होगा, तो इन्होंने बता दिया कि जी मैं नहीं भी जीता तो भी जो कम्युनिटी को सर्व करना है वो तो चलते ही रहे. लाइक आई बी डूइंग बिफोर. राइट, चले, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत फ्रूटफुल और बहुत अहम मैं समझता हूँ कि नुकात पर आपसे बात हुई. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू जुनैद सर. थैंक यू सो वेरी मच जी. थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसाइड न्यूज विद जुनैद जहांगीर. बेस्ट लाइफ टूर एंड ट्रेवलिंग पेश करते हैं 10 रोजा उमरा पैकेज. लोएस्ट प्राइस इन टाउन, मक्का और मदीना में 5 स्टार्स होटल में कयाम विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर, मुकद्दस मकामात की जियारत, वीजा प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रुप लीडर इंक्लूडेड. ओनली इन $2,190. 3 and 4 स्टार होटल पैकेजेस ऑल्सो अवेलेबल. कॉल 416-903-9250, 416-903-9250 और www.bestlifetravel.com. An exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Zanny K, Agha Noor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan and many more. Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit No. 1, Milton, Ontario. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law. मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन. मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए. जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला. मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे. मोहम्मद कामरान हुसैन, 416-318-5264. रंग वाली, भरम वाली, न्यूज वाले, व्यूज वाले, भेल वाले, मेल वाले, कराची वाले, खैबर वाले, लाहौर वाले, पिंडी वाले, इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान वाले. This is the world of